Good morning, students. This is your EVS class and I am your EVS teacher. Today we are doing worksheet number 2. बच्चों आज हम worksheet number 2 करेंगे. Worksheet number 2 क्या है हमारी? Animal food. Animal means जानवर and food means भोजन. Means जानवरों का भोजन. ठीक है? आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं एनिमल्स की और कुछ पिक्चर दी गई हैं फूड्स की. तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा एनिमल क्या फूड खाता है. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. अब हम सभी बच्चे मेरे साथ वर्कशीट को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से मेरे साथ वर्कशीट को करेंगे. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम वर्कशीट को करना. फर्स्ट बच्चों, आपको ये पिक्चर दी गई है. ये किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? ये क्या है? एक माउस है. ओके, क्या है कि ये माउस है. माउस बच्चों क्या खाता है? माउस खाता है चीज. चीज कहाँ पर दिया गया है आपको? फूड में. देखिए, चीज आपको दिया गया है यहाँ पर. तो माउस को किससे मैच करेंगे हम? चीज से मैच करेंगे. ओके, माउस क्या खाता है? चीज खाता है. नेक्स्ट है रैबिट. रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश. खरगोश बच्चों क्या खाता है? खरगोश कैरेट खाता है. आप देखिए फूड में आपको कैरेट कहाँ पर दिख रही है? ये रही कैरेट. तो आपको रैबिट को किससे मैच करना है? कैरेट से मैच करना है. ओके, देन नेक्स्ट है आपका गोट. गोट बच्चों, गोट क्या खाती है? गोट ग्रीन ग्रास खाती है ना. क्या खाती है गोट? ग्रीन ग्रास खाती है. ग्रास कहाँ पर है? ये री ग्रास आपकी. तो आपको गोट को किससे मैच करना है? ग्रास से मैच करना है. ओके, नेक्स्ट है आपका डॉग. डॉग क्या खाता है? डॉग फूड खाता है. तो डॉग का फूड आपको कहाँ पर दिख रहा है? ये रहा. तो आपको डॉग को किससे मैच करना है? फूड से मैच करना है. ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्वायरल. स्क्वायरल मीन्स गिलहरी. गिलहरी बच्चों क्या खाती है? गिलहरी नट्स खाती है. तो नट्स कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? ये रहे नट्स. तो गिलहरी को हम किससे मैच करेंगे? नट्स से मैच करेंगे. ओके, सो बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है. आई होप आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा और अच्छे से मेरी हेल्प की होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 3. वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? जो फूड है, जो हम लोग खाते हैं चीज़ें, वो कहाँ से आती है? ओके, चलिए तो देखते हैं. कुछ आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं. ऊपर आपको पिक्चर्स दी गई हैं और नीचे आपको फूड दिए गए हैं. ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे, जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड वर्कशीट कंप्लीट की थी, इसी तरह से आप मेरे साथ फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट है आपका, क्या दिया गया है आपको? फर्स्ट पिग दिया गया है. क्या दिया गया है आपको? पिग. पिग से आपको क्या मिलता है बच्चों? पिग से आपको क्या मिलता है? मीट मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोटैटो. पोटैटो मीन्स आलू. पोटैटो से आपको क्या मिलता है? आपको यहाँ पर फूड में क्या दिख रहा है? पोटैटो से क्या बनता है? चिप्स बनते हैं, फिंगर्स बनते हैं. ठीक है, पोटैटो फिंगर जो आते हैं, तो आपको ये यहाँ पर दिए गए हैं पोटैटो फिंगर्स. तो आपको पोटैटो को किससे मैच करना है? पोटैटो फिंगर से मैच करना है. ओके, नेक्स्ट है आपका टमाटो. टमाटो से आपका क्या बनता है? कैचअप बनता है. ठीक है, टमाटो कैचअप आप सभी लोग खाते होंगे ना फूड में अपने. तो टमाटो से क्या बनता है? टमाटो कैचअप बनता है. तो टमाटो कैचअप आपको कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है. तो आपको टमाटो को किससे मैच करना है? टमाटो कैचअप से मैच करना है. ओके, नेक्स्ट है आपका गोट. गोट या काओ. काओ लग रही है देखने से तो ये. ओके, चलिए तो काओ आपको क्या देती है? काओ से क्या मिलता है बच्चों? मिल्क मिलता है. तो आपका मिल्क यहाँ पर दिया गया है. तो आपको काओ को किससे मैच करना है? मिल्क से मैच करना है. ओके, नाउ लास्ट इज हैन. लास्ट क्या है आपकी? हैन. हैन मीन्स मुर्गी. मुर्गी क्या देती है? एग देती है ना, अंडे देती है ना मुर्गी. तो आपको हैन को किससे मैच करना है? एग्स से. एग्स आपको कहाँ दिए गए हैं? यहाँ पर दिए गए हैं. तो आपको हैन को किससे मैच करना है? एग से मैच करना है. ओके, चलिए अब हम
नेक्स्ट वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है बच्चों हमारी एनिमल और साउंड। एनिमल साउंड मीन्स आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनकी साउंड्स दी गई है, मीन्स आवाज़ दी गई है, तो आपको इनको मैच करना है। ओके, जिस तरह से आपने वर्कशीट 2 और 3 को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की है, उसी तरह से आप लोग वर्कशीट नंबर 4 को भी कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट नंबर 4 को करना। फर्स्ट आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट आपको दिया गया है बियर। बियर मीन्स क्या होता है बच्चों? बियर मीन्स होता है भालू। बियर कैसी आवाज निकालता है? ग्लो। कैसी आवाज निकालता है? ग्लो। तो बियर को हम किससे मैच करेंगे? ग्लो से मैच करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका गॉट। गॉट मीन्स बकरी। बकरी कैसी आवाज निकालती है? ब्लीट। कैसी आवाज निकालती है? मिम्मी आती है ना बकरी, तो हिंदी में तो मिम्मी आती है, लेकिन इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीट। तो गॉट को हम किससे मैच करेंगे? ब्लीट से। ओके, नेक्स्ट है आपका स्नेक। स्नेक मीन्स आपको ये दिख भी रहा होगा ना, सांप। तो सांप कैसे आवाज निकालता है? हिस, ऐसे आवाज निकालता है ना। तो कहाँ पर लिखा है हिस? यहाँ पर लिखा है। तो आपको स्नेक को किससे मैच करना है? हिस से मैच करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट डंकी। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? डंकी। डंकी मीन्स गधा। गधा क्या करता है? हिन्नियाता है ना। गधा कैसी आवाज निकालता है? हिन्याने की आवाज निकालता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रे। तो ब्रे कहाँ पर दिया गया है आपको? यहाँ पर दिया गया है। तो आपको डंकी को किससे मैच करना है? ब्रे से मैच करना है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट एनिमल। लास्ट एनिमल क्या है बच्चों आपका? लॉयन। लॉयन क्या करता है? कैसी आवाज निकालता है लॉयन? दहाड़ता है। तो दहाड़ने को हम क्या बोलते हैं? रॉर। तो लॉयन को किससे मैच करेंगे हम? रॉर से मैच करेंगे। ओके, सो आई होप बच्चों आपने आज हमने 3 वर्कशीट्स कंप्लीट की थी। आई होप आप सभी लोगों ने 3 वर्कशीट्स को अच्छे से कंप्लीट किया होगा और कंप्लीट करने में मेरी हेल्प भी की हो। ओके, तो आपको अब इसको घर पर अच्छे से रीड आउट करना है और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।